सुबह से लोग आए जा रहे हैं। हाँ, ऐसे मौके पर जितने भी कांधे मिले कम ही होते हैं। बेचारा कल तक तो हंस खेल रहा था, अभी अभी जिंदगी जीने लगा था, भरी जवानी में बेचारा। बड़े अफसोस की बात है। चाचा कोई मर गया है क्या? नहीं, कल उसकी शादी है। शिट! अबे प्रेम, जल्दी आ जा यार, मेरे इतने ना लगता है जहां बैठा हूं वहां से जिंदगी भर उठने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अबे मेरे, कल तक तो हमारे पास हनीमून मनाने का लर्निंग लाइसेंस भी नहीं था, लेकिन कल तेरी शादी होते ही तुझे जिंदगी भर का लाइसेंस मिल जाएगा, और वो भी पक्का। साला मैंने लाइसेंस के लिए क्या क्या नहीं किया, भगवान के आगे हाथ जोड़े, पंडित को अपना हाथ दिखाया, और जब लड़की फाइनली हाथ लगती भी है वो हाथ भी लगाने नहीं देती। एक थी राजेश खन्ना की हाथी मेरे साथी और एक मेरी है। लेकिन मीत ने आज जो बैचलर पार्टी रखी है वो जरूरी है क्या? देख, ये जो बैचलर पार्टी है ना, तेरे लिए कम और हम जैसे बैचलर्स के लिए ज्यादा है, समझा? लेकिन आज अगर हम पकड़े गए ना तो मैं जिंदगी भर बैचलर रह जाऊंगा। अभी ऐसा कुछ नहीं होगा अशु। जस्ट इमेजिन, मड आइलैंड का बीच, बीच पर बंगला और बंगले में विमला और मंगला। लेकिन ये मीत है कहाँ? तू तो साले को जानता ही है, मिल गई होगी पूजा की कहीं ना कहीं सहेली। एक्सक्यूज मी, अगर मैं गलत नहीं सोच रहा तो कहीं आप मेरी बहन पूजा की सहेली तो नहीं? बाय बेबी। नमस्ते बहन जी। नमस्ते लल्लू। हाय गाइस, व्हाट्स अप? ये जो गई वो कहीं? हाँ, मेरी बहन पूजा की सहेली। यार यार मीत, मैं आज तक समझा नहीं तेरा ये फॉर्मूला हमेशा चलता कैसे है। अबे बहुत सिंपल है यार, पूजा से ज्यादा आम नाम तुझे इस देश में मिलेगा नहीं। अगर तू रोड पे खड़े रहकर पूजा चिल्लाएगा ना तो 10 आगे खड़ी हो जाएंगी। हर लड़की के किसी न किसी दोस्त का नाम पूजा होता ही है, तो मैं बन जाता हूँ पूजा का भैया और फिर उसकी दोस्त का सैया। यार तेरे माँ बाप ने बहुत सोच समझ कर तेरा नाम मीत रखा है, जिस लड़की को मीत करता है ना उसका मीत बन जाता है। तू तो मेरा फंडा जानता ही है यार, और दिन सुबह होते ही बदलने चाहिए। अब्बा सा, खुद की लाल करना बंद कर। यार तुम दोनों अपनी छोड़ो यार, मैं सुबह से 10 बार दूल्हे का यूनिफॉर्म ट्राई कर चुका हूँ लेकिन मुझे अभी भी घबराहट हो रही है। अबे होनी भी चाहिए, क्योंकि शादी के साथ ना सिर्फ एंगेजमेंट रिंग और वेडिंग रिंग आते हैं बल्कि एक और रिंग भी आता है। कौन सी? सफरिंग। इसलिए मेरे दोस्त, आज की रात दिल खोल कर जी ले, क्योंकि कल सुबह होते ही तू तो गया रे। पंडित जी आप कितने मंत्र पढ़ेंगे? 500 रुपए दिए थे ना आपको। ठीक है ले जी, मंगलसूत्र पहनाओ। ले बेटा जल्दी पहना, जल्दी पहना जल्दी। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गणो दत्त, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय स्तनु। चल जा मेरे शेर, जंगल में मंगल करके आ जा। यार इससे पहले मैंने कभी, you know what I mean, तो क्या हुआ यार, इससे पहले उन्होंने साइकिल भी नहीं चलाई थी, लेकिन ठीक है ना। देख, साइकिल चलाने में और इसमें कोई फर्क नहीं है, बस एक बार साइकिल पर बैठ गया ना तो सब कुछ अपने आप चलने लगेगा। हाँ, लेकिन बस इतना पता होना चाहिए कि ब्रेक का मान है। हाँ। उमर कैद मुबारक हो। नहीं नहीं नहीं, मैं तो सुहागरात मनाने आया था। ऐसी सुहागरात मनाएंगे कि जिंदगी भर सो नहीं पाओगे। करते रहो और जोर से और दम लगा। अरे मैं थक गया हूँ, इंसान हूँ मशीन नहीं, एक घंटे से कर रहा हूँ। मैंने कहा ना रुको मत, तुम्हें कम से कम 3 बार और करना है, कल भी तुम जल्दी थक गए थे। कम ऑन, दम लगा। ओ माय गॉड, चलो उठो, इसके बाद दंड भी मारने हैं। पिछले 3 सालों से दंडी तो भर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, दंडी तो कर रहा हूँ। अरे बिंदिया, तूने मेरा चश्मा देखा कहीं? यही कहीं होगा माँ। पता नहीं मेरी नजर को किस कमीने की नजर लग गई है, बिना चश्मे के नजर ही नहीं आता मुझे। अरे जल्दी कर बिंदिया, आज WWF में ब्रॉक लेसनर कर्ट एंगल की टांगे तोड़ने वाला है। सोफे की टांगे टूट गई। टांगे सोफे की नहीं, मेरी कमर टूट गई। अमर तू? हाँ, आप मुझे सोफा समझकर मुझ पर बैठ गई। थैंक गॉड तू था सोफा में। आजकल सोफे कितने महंगे हो गए।
क्या आपको सोफे की पड़ी है, मेरी नहीं मोटी है। अरे थैंक यू बेटा। छी कान खोलकर सुन ले, कुछ ही हफ्तों में मेरा भांजा दिल्ली से ट्रांसफर होकर मुंबई आ रहा है। उसने अगर देख लिया कि मेरा जमाई ऐसा डेढ़ पसली का है तो मेरी तो नाक कट जाएगी बिरादरी में। आप चिंता मत कीजिए माँ, पुदीना और करेले का जूस पिला पिला कर मैंने डेढ़ पसली से ताजन बना दूंगी। ताजन नहीं बेटा, अंडरटेकर। हाँ। और बेटा सुन, तूने मेरे लिए आलू के पराठे बनाए ना मक्खन के साथ। हाँ, और गाजर का हलवा भी मम्मी। यम्मी। मम्मी मम्मी, मुझे पराठे मिलेंगे? पराठे मांगे तो चाटे मिलेंगे। अब जल्दी जाकर तैयार हो जाइए, क्लिनिक जाने का टाइम हो गया है। ये लीजिए आज की जेब खर्ची, 20 रुपए ऑटो से क्लिनिक जाने के लिए और वापस आने के लिए। हाँ। और कॉफी? शट अप। शट अप? लोगों के दांतों की कैविटी भर भर के पैसे मैं कमाता हूँ और मुझे तुमसे पॉकेट मनी मांगनी पड़ती है? हाँ, ताकि तुम बाहर का खाना ना खा सको, दूसरे मर्दों की तरह सिगरेट और शराब ना पी सको। अब जाओ और नहलो। जाओ और नहलो। कमीनो, हंस रहे हो मुझ पर? इन 3 सालों में ये नहीं सोचा कि इस दोस्त की क्या हालत हो रही है? लोगों को दहेज में मोटर मिलती है, स्कूटर मिलती है, कंप्यूटर मिलता है, लेकिन मेरी हालत देखो, मुझे तो ये सांस मिली है। कंबक जो कभी बहुत थी ही नहीं। लेकिन तुम दोनों जहां कहीं भी होंगे ना, गारंटी आज भी मजे से हनीमून मना रहे होंगे। अरे चाहे आसमान में मून हो या ना हो, लेकिन हर रोज हनी के साथ हनीमून तो होता ही है। क्या बात करते हैं यार। हाँ, अरे इसलिए तो काम पे देरी से आता हूँ रोज। अब रात भर लेट कर मेहनत करने वाला सुबह लेट ही उठेगा ना। लेकिन हम तो सुबह जल्दी 6 बजे उठ जाते हैं यार। यानी कि तू तो उठता भी जल्दी है और सो भी जल्दी जाता है। ए सुरन, पता है आज रात गीता और मैंने फिल्म साथ में देखने का प्लान बनाया है। हर नाइट सालूटे राव कर। हाँ, अरे मेरी बीवी कभी कोई नई चीज़ ट्राई करने से नहीं हिचकिचाती। नई नई चीज़ों की गोज एक्सपेरिमेंट से ही तो होती है। अब न्यूटन को देख लो, चुपचाप पेड़ के नीचे सोया था कि उसके सर पर एप्पल आ गिरा और उसने ग्रेविटी की खोज कर ली। हम भी लेटे लेटे एक रात खोज तो आज रात कर ही लेंगे। घर पहुंचते ही मेरी बीवी मुझ पर टूट पड़ेगी। अरे ये तुम क्या कर रही हो? अपने पति के चरण छू रही हो। अरे यार, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ कि बार बार मेरे चरण मत छुआ करो। क्यों नहीं, पति के चरणों में ही तो स्वर्ग होता है। स्वर्ग चरणों में नहीं। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या मैंने जो कहा वो तुम समझ गई? हाँ, आप अपने दिल की बात कर रहे थे ना। रहने भी दो, अचानक मेरे सर में दर्द हो रहा है। आप कहे तो दबा दो। क्या? मेरा गला। अरे मैं आपका गला क्यों दबाऊंगी जी? अगर मेरा ऐसा इरादा होता तो आपकी लंबी उम्र के लिए इतने व्रत क्यों रखती? अरे इतने व्रत रख रख कर तुम मेरी उम्र तो बढ़ा रही हो, लेकिन मेरी जवानी मुझसे छीन रही हो। कभी संतोषी माँ का व्रत तो कभी अम्बे माँ का, कभी दुर्गा माँ का तो कभी पड़ोसी की माँ का, कभी 16 सोमवार तो कभी गणेश का मंगलवार। पिछले 1 महीने से तुम मेरे मंगल पर कोई ना कोई वार करती आई हो। कल से श्रावण महीना भी शुरू हो रहा है जी। श्रावण? यानी कि 1 महीने तक श्रावण मेरी जिंदगी में रावण मरकर नाचेगा? अच्छा बताओ, आज तो कोई व्रत नहीं रखा है ना? कम से कम आज के दिन तो प्यार के आंगन में गुलाब खिलाई देते। नहीं जी, आज मुझे जगराता पर जाना है। जगराता? हाँ, आपके आने का ही इंतजार कर रही थी। अब चलती हूँ। राबो, बाहर कोई पेशेंट रुका है? रुका नहीं सर, रुकी है। और ऐसा लग रहा है जैसे कि इंतजार आज का नहीं जन्मों का है। क्या, कौन है बाहर? मिस सक्सेना। सक्सेना? डर के मारे मेरे दिल की धड़कन कैसे धक धक कर रही है, देखो ना। रामू, तू कुछ भी कर, उस सक्सेना को भगा यहाँ से। लेकिन क्यों? क्योंकि वो ऐसी एवर रेडी बैटरी है जो मुझे चार्ज करने के लिए एवर रेडी रहती है, और मुझे डेडी रहना है। अरे सर, दुनिया कहती है गिव मी रेड और आप रहना चाहते डेड। तो मेरे साथ बहस मत कर, तू जो मैंने कहा वो कर। उस सक्सेना को बता के मैं बीमार पड़ गया और मैं यहाँ से चला गया। लेकिन सर, आप बाहर जाएंगे कैसे? Excuse me, folks.
कबार नहीं। Come on girl, fast. Excuse me for the delay. और अमर कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है? अरे भाई, जब तक कुछ किस्म के लोग इस दुनिया में मौजूद हैं, हम जैसे सेक्सोलॉजिस्ट की प्रैक्टिस तो जोर शोर से चलती रहेगी। Isn't it, baby? Oh, excuse me. हेलो, यस डार्लिंग, बोलो। नहीं नहीं, आज मैं जरा देर से आऊंगा। क्यों? अरे ओवर टाइम जो कर रहा हूँ, तुम तो जानती हो कितने पेशेंट्स हैं मेरे पास। कभी कभी तो दो दो पेशेंट से निपटना पड़ता है मुझे, तुम जानती हो ना। हाँ हाँ, तुम खाना खा लेना। नहीं नहीं, मैं खाना खा के आऊंगा, नहीं कुछ नहीं। ओके बाय डार्लिंग, लव यू वाइफ। एक्सक्यूज मी डॉक्टर साहब, आप पुराना मारे तो आपसे एक बात पूछो। हाँ हाँ पूछो, क्या बात है? आपने कहा कि आप घर देर से आएंगे। हाँ? और वो बिना कुछ कहे मान गई। अरे भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है? सुनो, बीवियों को ज्यादा सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए, वरना वो सर का दर्द बन जाती है। उन्हें हमेशा इस बात का एहसास दिलाते रहना चाहिए कि घर में पतलून वो नहीं, हम पहनते, समझे? गुड मॉर्निंग बिंदिया जी। ठीक है चाय रखो और कपड़े धोने जाओ। जो हुकुम बिंदिया जी। अरे कहाँ खो गए भाई? नहीं कुछ नहीं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। उनको हमेशा बताते रहना चाहिए कि घर में पतलून हम ही पहनते हैं। ओके गर्ल्स, आप लोग गाड़ी में लिए वेट करो, मैं भी आया। एंड डोंट बी नॉटी विदाउट मी। ओके ओके, यू नो अमर, जब से ये दो लड़कियों को मैंने नर्स की नौकरी दी है, मरीजों की भीड़ लगी हुई है। हाँ, अभी दो तीन दिन पहले की बात है, एक बेचारा मरीज थके सिपाही की तरह अटेंशन चिल्लाने पर भी विश्राम में ही रहता था, लेकिन इन दोनों को देख के विश्राम से सावधान और सावधान से सैल्यूट, समझे? अमर, मैं तो कहता हूँ कि तुम भी अपने डिस्पेंसरी के लिए एक तीर नस रख लो। वो क्या है ना कि लड़कियों के साथ मैं बड़ा अजीब सा महसूस करता हूँ, लड़कों के साथ मैं काफी कंफर्टेबल हूँ। नहीं नहीं, मेरे साथ ज्यादा कंफर्टेबल मत हो जाना। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी बातों में तो बिल्कुल प्रेम हो जा रही हूँ। ओह भाई, एक मिनट के लिए मैं समझा कि तुम प्रेम पुजारी नहीं, किसी प्रेम के पुजारी, यू नो। सी यू बाय। प्रेम बाबू क्या है? तुमने बताया ना कल रात कैसी रही? बताने के लिए अल्फाज नहीं है। अच्छा, तुम्हें पता है मेरे हाथ में क्या है? क्या है? फिल्म। कल रात को तुम्हारी बातों से इंस्पायर होकर हमने स्नेहलता को कन्विंस कर लिया एक्सपेरिमेंट करने के लिए। अब देखना, कल से सुब्रमण्यम भी ऑफिस देरी से आएगा। उर्वशी, टेक मी। ये बकरा तो साला कटने जा रहा है, ये तो गया। मैं आपको अपनी जान से मिलाता हूँ, ये मेरा प्रेम। प्रेम? I'm प्रेम डॉक्टर। ऐसी बातों में तुम बिल्कुल प्रेम बुझा रही हूँ। रास्ते के बीच में प्रेम, what a shame! इसमें शर्म की क्या बात है डॉक्टर साहब? मेरी और प्रेम की यारी तो कॉलेज के जमाने से है। यानी तुम्हारा प्यार इतना पुराना है? हाँ, मैं तो ये कहता हूँ, why don't you join us? क्या बकते हो? Yeah, doc, we'll have fun. अरे हट, क्या कर रहे हो तुम लोग?
बेचारा डॉक्टर कबाड़े, पता नहीं कामा सूत्र के कौन से पोज में हम दोनों को इस वक्त इमेजिन कर रहा होगा। अच्छा एक फुकड़ी देना, मेरी खत्म हो गई। फुकड़ी? यू मीन सिगरेट? तूने इतनी छोड़ दी क्या? नो वे यार, मैं क्यों छोड़ू, दिन में दो चार पैकेट तो सुलगा ही देता हूँ, बस अभी नहीं है। अरे कोई बात नहीं, मंगा लेते। वेटर। यस सर। एक सिगरेट पैकेट देना। जी सर। याद है कॉलेज के जमाने में ये अपना अड्डा हुआ करता था? हाँ यार। वक्त बदल गया, लेकिन ये जगह नहीं बदली, वही टेबल वही चेयर ना। यार मीठी कोई न्यूज़ है? या अभी दिल्ली में बिल्ली मार रहा है? अरे उसने दिल्ली में किसी रईस जौरी की बेटी के साथ शादी की और वहीं सेटल हो गया, लेकिन मैंने सुना कि वो मुंबई वापस आया है और एक नया ज्वेलरी शोरूम खोला है। ऐसा कुछ उसने शादी बिल्कुल सही जगह की है। साले की पुरानी आदत थी। I got an idea. नहीं मुझे नहीं सुना। सुनना यार, let's have a reunion man. क्यों ना हम तीनों पहले की तरह मिलकर धमाल करते? Boys night out. Awesome idea man. Just the three of us. अरे नहीं, चार। चार? तू मैं मीत और अपना यार। Come on. यार मीत नहीं आया। साला सारा ना लेट एंट्री मारेगा। ये वो देख मीत। कहाँ? वहाँ बाहर पर यार। साला आया नहीं कि चल हो गया। बिल्कुल मजा नहीं आया। चल सरप्राइज दे। चल। बम बम बोले, हरे रामा हरे कृष्णा। तुम दोनों कभी नहीं सुधरोगे। ना मिली कोई ब्यूटीफुल चिक तो चलेगा कोई भी टॉम हैरियट। हाय। आपको ना भाई साहब। अरे डेस्पो फट्टू, मैं यार मीत। मीत? यू लुक लाइक शिट। ये तुझे क्या हो गया? ये तूने कैसे कपड़े पहने हैं? ए जो लेटेस्ट फैशन होता है उसे तो सारा इंडिया पहनता है, लेकिन जो मीत पहनता है ना वो लेटेस्ट फैशन बन जाता है। अब ये सब बातें छोड़ो, लेट्स हैव सम एंड डू सम चीयर्स यार, कम ऑन। चीयर्स। So guys, how's life, huh? क्यों बट्टू, कैसे चल रही है? हनीमून का लाइसेंस अभी वैलिड है या फिर कब का एक्सपायर हो गया? No way, यार, जिंदगी और शादी दोनों की गाड़ी बिल्कुल आराम से चल रही है। अरे वाह, और तू डेस्पो, तेरे क्या हाल है? खुश है या फिर अभी खुदकुशी चल रही है? Very funny. देखो गाइस, जू के पिंजरे में कैद बंदर और ज्यादातर शादीशुदा आदमी में कोई फर्क नहीं होता। दोनों गुलाटी चाहे जितनी मारना चाहे, चढ़ने के लिए पिंजरे में एक ही पेड़ होता है बेचारे। तो तू क्या अपनी बीवी के साथ जंगल में रहता है जहाँ पेड़ ही पेड़ हो? अबे नहीं बच्चू, आंचल और मैं तो अपने प्यार के आशियाने में रहते हैं। तू तो मुझे जानता है, लड़की और खड़की मीत का बाल भी मां का नहीं कर सकती। अच्छा तो तेरे बाल ऐसे चप्पट कैसे हो गए? जो इंसान बचपन से पीपल के पेड़ के नीचे के गटर के पास बैठे बिरजू नाई से अपने बाल कटवाता हो ना, उसे क्या मालूम नए हेयर स्टाइल्स के बारे में? हाँ, दिस लुक इज इन ड्यूड्स। यानी कि हर रोज बुफे खाने वाला मीत आज एक ही डिश से खुश है? अरे नहीं यार, आंचल कोई ऐसी वैसी डिश थोड़ी है, वो तो वो विश है जो ऊपर वाले से हर मर्द मांगता है, लेकिन वो देता है सिर्फ कुछ खुश नसीबों को। अरे क्या अंडरस्टैंडिंग बीवी मिली है यार। हाँ, ना रोकना ना टोकना, ना खिटखिट ना खिटपिट, वो मुझे इतना स्पेस देती है, इतना स्पेस देती है कि कभी कभी मुझे लगता है कि मैं यहाँ नीचे धरती पर हूँ और वो ऊपर स्पेस में। हेलो जानू, आई मिस यू, आई मिस यू, आई मिस 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 यू, मिस मी नो जानू, पता नहीं तुम्हारे घर के बाहर चले जाते ही मुझे क्या हो जाता है। लाइफ इज सो शॉर्ट और इस शॉर्ट लाइफ में मैं तुम्हारे चेहरे का एक भी एक्सप्रेशन, तुम्हारे मुंह से निकली एक भी बात, तुम्हारे साथ गुजारा एक भी पल नहीं मिस करना चाहती। I love you so much. You love me, no? फिर से? अभी अभी तो आधे घंटे पहले कहा था ना। आधा घंटा? पता है आधे घंटे में क्या क्या हो जाता है? आधे घंटे में टीवी सीरियल का एक पूरा एपिसोड खत्म हो जाता है, आधे घंटे में फ्रिज में रखा हुआ पानी बर्फ बन जाता है, आधा घंटा तो क्या, तुमसे आधे सेकंड की भी दूरी मुझे आधा कर देती है जानू। आधा ग्लास पानी देना। अबे झूठा था। Do you
लव मी? आई लव यू. और जोर से कहो ताकि सबको सुनाई दे. हेलो 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 हेलो. सिग्नल प्रॉब्लम. हेलो 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 हेलो. आई लव यू आई लव यू आई लव यू. बस खुश. बहुत खुश. अब मैं जा सकता हूँ प्लीज. ओके जानू, मैं फिर से फोन करूंगी. हाँ बाय. हेलो मिस मी. ओके ओके बाय. ये नए फोन्स भी ना रेंज ही नहीं होता यार. अरे तेरा ड्रिंक खत्म हो गया. वेटर रिपीट. सर ये लास्ट ऑर्डर है. क्या? तो एक काम करो 6 बॉटल और ला दो, क्योंकि आज कोई भी ऑर्डर हमें रात भर पीने से नहीं रोक सकता. राइट राइट.